अरे नीतीश कुमार के हटने से बहुत फायदा हुआ। कैसे? वो रहते थे ना तो वोट बहुत इधर उधर होता था, गड़बड़ होता था, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो छियत्री मौगी वाला एक्टिंग कर रहे हैं। अब उनके बस का बात नहीं है, वो मतलब के ब्याह कर रहे हैं, एगो मेहरारू है वो, और दो तीन को हस्बैंड पटैले हैं, ठीक है नो, एन्ने ओन्ने कर रहे हैं। स्टेट में आरजेडी को चाहते हैं, सेंट्रल में मोदी जी हैं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन नौ बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ कर रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, आ भी रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, क्या चोचला चल रहा है ये? नीतीश कुमार जी एक ऐसा राजनीति कर दिए हैं जो इतिहास लिखा गया। ये अगर चित्ते अगर सोते ना, ये नीतीश कुमार आदरणीय चित्ते अगर सोते हैं तो बिहार का विकास एकदम सीमा चरण पर रहता है। जो बोले थे उनको शर्म लगना चाहिए, मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा में जाना कबूल नहीं है, तो आप अब कैसे चल गए भाजपा में? बिना पेना के लौटाए, जन्ने मरिएगा उन्हीं ढुलुक जाएगा। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24, मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में राजनीति में बहुत ही बड़ा उथल पुथल हो रहा था, जो कि कल साफ हो चुका है। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में जाकर सम्मिलित हो चुके हैं। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर मैं बात करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हूँ और लोगों से मैं बातें करूँगा कि असल में नीतीश कुमार जी का जो ये फैसला था वो बिहार के हित के लिए कितना सही था। तो मैं यहाँ पे पहले पता करना चाहूँगा जी, आपको क्या लगता है जो मतलब नीतीश कुमार जी के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया तो सही था या नहीं था? अरे नीतीश कुमार के हटने से बहुत फायदा हुआ। कैसे? वो रहते थे ना तो वोट बहुत इधर उधर होता था, गड़बड़ होता था, लेकिन नीतीश कुमार जो हैं वो छियत्री मौगी वाला एक्टिंग कर रहे हैं। अब उनके बस का बात नहीं है, वो मतलब के ब्याह कर रहे हैं, एगो मेहरारू है वो, और दो तीन को हस्बैंड पटैले हैं, ठीक है नो, एन्ने ओन्ने कर रहे हैं। लेकिन मेनली जो है उनके पलटने से मेनली हमारे युवाओं को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो कि तेजस्वी यादव ने बोला नहीं, कर दिखाया था, क्योंकि अपने यहाँ बिहार के लोगों ने नौकरी तो लेवे किया, अलग स्टेट का यूपी के लोग भी आके यहाँ रोज़गार लिए, और रोजगार से ये हुआ कि बिहार का जो छवि था, जो पहले बिहारी को टारगेट किया जाता था, कहीं ना कहीं बिहार वाले लोग बाहर जाया करते थे कमाने के लिए, पलायन होता था। अब वो पलायन धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो आके धीरे धीरे बिहार में सेटअप होने लगी, और मेट्रो का भी काम हमारा जोरों शोरों से चल रहा था। मेट्रो बन जाता तो कितना रोजगार बिहार वासियों को मिलता, अब फायदा कितना मिलता, फैसिलिटीज़ और मतलब कि बहुत। लेकिन एक तरह से तो फायदा हुआ ना, जिसका सेंट्रल में गवर्नमेंट है उसके साथ टाई अप हुआ है, तो यहाँ स्टेट को भी फायदा होगा। हम स्टेट में आरजेडी को चाहते हैं, सेंट्रल में मोदी जी हैं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन स्टेट में आरजेडी जो है वो मतलब रोजगार, युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। हम लोग तो नेता विधायक बन नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, और उतना जुंगलाबाजी बोलने का हमारे पास उतना दिमाग नहीं। देख रहे हैं नीतीश कुमार को कैसे कर रहे हैं, कोई विश्वास करेगा जी? बिहार ऐसा राज्य हो गया जिसमें नौ बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ कर रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, आ भी रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, क्या चोचला चल रहा है जी? जैसे कि कल क्या सभी को पता है कि नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में सम्मिलित हो चुके हैं ऑलरेडी, और तेजस्वी यादव जी का कहीं ना कहीं जो सपना था सीएम बनने का, अब एक तरह से सपना ही रह रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है, सूत्रों के हवाले से ऐसा खबर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से, सूत्रों को बोलिए सुतने के लिए, ठीक है, 2025 में बिहार की जनता बता देगी, ठीक है। नीतीश कुमार जी एक ऐसा राजनीति कर दिए हैं जो इतिहास लिखा गया है, ठीक है। आने वाली पीढ़ी जो होगी उनको पढ़ाया जाएगा स्कूलों में कि ऐसे भी एक मुख्यमंत्री थे कि 18 साल के कार में 9 मरतबा इस्तीफा दे के 9 मरतबा शपथ ग्रहण करते हैं, किस लिए? सिर्फ कुर्सी के लिए, ठीक है। और अमिताभ बच्चन ही पूछेंगे बिग बॉस में, सवाल जवाब जब होगा तो बिहार का नाम आएगा कि कौन ऐसे मुख्यमंत्री थे, कौन से स्टेट के थे कि 9 मरतबा आपको शपथ ग्रहण करके, और 9 मरतबा मुख्यमंत्री के लिए शपथ ग्रहण किए, कौन से? तो उत्तर प्रदेश, आपका गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार का नाम आएगा तो बिहार का नाम सबसे पहले आएगा, बोलेंगे नीतीश कुमार। ये ऐसे लोग हैं, ये अगर चित्ते अगर सोते ना, ये नीतीश कुमार आदरणीय चित्ते अगर सोते हैं तो बिहार का विकास एकदम सीमा चरण पर रहता है, लेकिन करवट बदलने की आदत हो गया है, ठीक है, दाई करवट में रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लोगों का कहना है कि जिसका सेंट्रल में गवर्नमेंट रहता है उसे तो अब टाई अप में आ गए, तो स्टेट में भी जो भी काम होगा बहुत जल्दी होगा। कहीं नहीं, पिछले 17 सालों में हुआ,
17 साल में थी गठबंधन की सरकार में, साथ में रहे, कहा ही नहीं हुआ। इस 17 महीना में जो विकास और रोजगार का जो काम हो गया, पेट में दर्द होने लगा नीतीश जी को। जब तेजस्वी यादव जब चढ़ चढ़ के जी कहा ही नहीं करेंगे, तेजस्वी यादव 79 को सीट लेके वो क्यों नहीं डिमांड करेंगे, क्यों नहीं दौरा करेंगे बिहार का। रात में हाजीपुर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो बोलते हैं कि भतीजा बहुत आगे निकल रहा है, कहा नहीं निकलेगा आगे क्षेत्र में, आप काम कीजिए ना भाई, आप तो बूढ़े हो गए हैं, आप तो यहाँ वहाँ जाते हैं तो आपको एक ही चीज़ नज़र आता है आपको, सिर्फ पलटू राम के नाम से मशहूर था, पलटू राम तो है ही थे ये। और ये एक्चुअली फूफा जी का रोल देखे ना, शादी में जो फूफा जी होते हैं उनका रोल जो होता है, कोई बात हो ना हो लेकिन नाराज रहते हैं, साइड साइड में रहते हैं, वही है ये नीतीश कुमार। ठीक है, ये बैगन जो होता है चिकना बैगन जो थाली में रखने से रगड़ जाता है, यही चिकना बैगन नीतीश कुमार। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का बयान भी आया था मीडिया में कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था दूसरी पार्टियों के द्वारा। कहा नहीं, बीजेपी छोड़ के गए थे तो किस मैटर पर गए थे, इसी मैटर पर नहीं गए थे कि वहाँ दबाव बनाया जा रहा है, वहाँ किसी और चीज़ के लिए दबाव बनाया जा रहा था, यहाँ रोजगार के लिए दबाव बनाया जा रहा था, क्यों नहीं बनाएंगे भाई। और तेजस्वी यादव खाली देखते रहेंगे आपको कि आप बीजेपी में जाएं, आरजेडी में आए, बीजेपी में जाएं, आरजेडी में आए, यहाँ की जनता जो है उसको बेवकूफ़ बनाएं, यही देखेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने जब बाहर जो सरकार बनने से पहले, जो 17 महीने की सरकार थी उससे बनने से पहले जब वादा किया था, पहला कलम चलाया था कि बिहार की जनता को रोजगार मिलेगा, और जब उस पर कार उतरे, जब रोजगार देना चालू कर दिए तो नीतीश जी को खलने लगा। तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी यही चीज़ पूछूंगा कि क्या लगता है चचा जी, आप मुझे बताएंगे जो नीतीश कुमार जी जो कल मतलब गठबंधन, इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में सम्मिलित हुए हैं, तो इससे क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जी का जो सीएम बनने का सपना था, क्या वो सपना ही रह जाएगा? वो तो 25 में होना ही है। क्या होना है इसका, सरकार खेला होगा। आप किसको देखना चाहते हैं? अरे लालू जी को देखना चाहते हैं। लालू जी तो कैंडिडेट है नहीं। क्या तेजस्वी बेटा है ना, पहले जड़ को पकड़िएगा कि पहले फुंगियों को पकड़िएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ऐसा भी कहा जा रहा है कि अभी गठबंधन बदलते के साथ ईडी का सिकंजा कसा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? हम लालू की सरकार आएगी। क्यों आएगी, मतलब आरजेडी की सरकार आएगी? लेकिन अभी जैसे ही ये भी चीज़ यहाँ देखने के लिए आ रहा है कि अभी जैसे मतलब वो इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में चले आए हैं, तो इस बीच क्या हुआ कि ईडी का जो सिकंजा है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी पे घेरना शुरू हो गया। घेरने से थोड़ी हो जाएगा उनको शर्म। जी 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 जी, क्या कह रहे हैं? एक बात वो बोले थे, उनको शर्म लगना चाहिए, मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा में जाना कबूल नहीं है। तो आप अब कैसे चल गए भाजपा में, बिना पेना के लौटा है, जन्ने मरिएगा उन्हीं ढुलुक जाएगा, बिना पेना के लौटा है नीतीश कुमार। लेकिन आपको क्या लगता है कि कल ही मतलब उनका गठबंधन इंडिया छोड़कर एनडीए में गए और आज ही ईडी के द्वारा, उतने दिन से ईडी पीछे पड़ी हुई थी लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं लालू यादव जी के पीछे मतलब उनको आज पेशी का बात हो रहा था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे देखिए, सरकार किसी का भी हो अपना फायदा देखता है। अब इसमें जो विपक्षी जब कांग्रेस में हो, सरकार किसी का भी हो, जब कांग्रेस जब विपक्ष में थी, ऐसी सरकार में थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये तोता कहा था सीबीआई को, कहा था ना, याद होगा आप लोग के यहाँ पे जो भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बीजेपी ही कर रही है, जो भी सेंट्रल में जिसका भी गवर्नमेंट रहता है, सरकार रहता है, वो विपक्षी को दबाव बनाता ही है। और सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, तो बंद तोता या कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई को, अगर किन्हीं को याद होगा तो ये तो हर सरकार करती है, इसमें कोई बीजेपी पहला पार्टी नहीं है जो कर रही है। कांग्रेस की आएगी तो वो भी करेगी, आम आदमी पार्टी की आएगा तो वो भी करेगा। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, जो नीतीश कुमार जी की तरफ से इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में सम्मिलित हुए हैं, ऐसा करना कितना प्रतिशत सही था या नहीं था? देखिए, ये उनके पार्टी के नज़रिए से उनको सही हो सकता है, क्योंकि हर पार्टी अपना फायदा देखती है। बिहार की जनता, आप एक बिहार की जनता के नाते आप बताएंगे कि ऐसा करना सही था या नहीं था? क्या वो तेजस्वी यादव जी के साथ थे तब बिहार का विकास हो रहा था, या फिर उससे पहले जब बीजेपी के साथ जब गठबंधन में थे तब हो रहा था? देखिए, ऐसे तो देखिए, कहने का बात यह है ना कि जैसे वैकेंसी तो निकला और नियुक्ति भी हुआ, मगर इससे रिलेटेड इलेक्शन को जोड़ भी सकते हैं। अगर यही चीज़ अगर इलेक्शन नहीं होता, जैसे इलेक्शन आने वाला है लोकसभा का, विधानसभा का, उस टाइम में जैसे वैकेंसी निकला, नियुक्ति भी हुआ, अगर इलेक्शन अगर नहीं होता और अगर वैकेंसी अगर आता और निकलता, तब मानते चलो भाई हुआ, सही हुआ। मगर ये तो इलेक्शन के टाइम में कोई भी पार्टी रहेगा तो वो करेगा ही। लेकिन तेजस्वी यादव जी तो जो वादा किए थे कि मतलब 10 लाख नौकरियाँ देंगे, चलिए 10 लाख नहीं, कम से कम 4 लाख नौकरियाँ तो उन्होंने दिया, तो आप इसके लिए खुश हैं या नहीं हैं?
जैसे देखिए, लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये एक चुनावी मुद्दा हो सकता है, आपका यही कहना है अभी, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, ये जहाँ तक वैकेंसी का बात है, तो जैसे आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, जिसमें से 10 लाख नहीं लेकिन 4 लाख तो अभी तक वो कर चुके हैं। पहली बात बता दें कि वैकेंसी जो भी निकलता है वो होम मिनिस्ट्री के तहत निकलता है, और होम मिनिस्ट्री जो भी है नीतीश कुमार जी के पास है। तो जब तक नीतीश कुमार, अगर जैसे हम पार्टी के बारे में नहीं बोले कि नीतीश कुमार बहुत बढ़िया काम किए, हम ये कहना चाहते कि होम मिनिस्ट्री जो है नीतीश कुमार जी के पास है। अब जो भी वैकेंसी जो निकलेगा, अंतिम साइन तो उन्हीं का रहेगा, मगर हाँ ये कह सकते हैं कि आप पूरा का पूरा जो है ना, आप आरजेडी को नहीं कह सकते, पूरा का पूरा वैकेंसी वही करवा दिए। मगर मान लें कि मेरे पास पावर है होम मिनिस्ट्री का, हम चाहेंगे तो उसका साइन होगा तभी वैकेंसी निकलेगा जी। तो एक पार्टी को आप नहीं कह सकते हैं कि आरजेडी सब कुछ करवा दिया। अब ज्वाइंट में है तो दोनों को क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना। नीतीश कुमार फिरकी ले रहे हैं, फिरकी का मतलब समझते हैं। लेकिन इनका देखिए, ये जो अभी बात बोले इससे आपको समझ में आया, इनका कहना है कि जो नौकरियां निकली वो नीतीश कुमार जी के ही द्वारा निकली हैं, लोग झूठ मूठ का मतलब अफवाह फैला रहे हैं, एक चुनावी मुद्दा बना रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के द्वारा ही नौकरी मिली, इनका ये कहना था। कहने का मतलब है कि भाई जी को जानकारी होना चाहिए कि पिछले 17 सालों में नीतीश कुमार की सरकार बरकरार है बिहार में, तो उन्होंने नौकरी देने का काम क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने उन पर दबाव डाला है जनता के विकास के लिए, जनता के रोजगार के लिए, तब नीतीश कुमार को खलने लगा है। ठीक है, इनकी बात से सहमत हैं हम कि इसको देने का कोई अगर रहता है वो तो मुख्यमंत्री ही देता है रोजगार, लेकिन उसमें उपमुख्यमंत्री ड्यूटी सीएम जो हमारे तेजस्वी यादव थे, उन्होंने दबाव डाला तभी तो रोजगार मिला। ये 17 साल में क्यों नहीं किए, जो 17 महीने में जो काम हुआ वो 17 साल में क्यों नहीं हुआ? ये नीतीश कुमार ऐसे लोग हैं, नीतीश कुमार जी ऐसे हैं कि वो फिरकी ले रहे हैं। फिरकी का मतलब समझते हैं, फिरकी का मतलब मजा लेना। जब ये बीजेपी में जाते हैं तो आरजेडी के कार्यकर्ता और नेताओं को जब धरना प्रदर्शन करते हैं, तो जब लाठी पिटाता है, जब मार पड़ता है उनको प्रशासन द्वारा, तो ये मजा लेते हैं। जब बीजेपी में आरजेडी में जाते हैं तो यही डबंगला चौराहा पे आरजेडी बीजेपी के कार्यकर्ता को और नेताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया प्रशासन द्वारा, तो मजा कौन लिए? नीतीश कुमार जी। कभी सुने हैं कि जेडीयू का कोई नेता या कोई कार्यकर्ता कोई पिटाया है? तो ये लोगों को खाली गुमराह करने का काम कर रहे हैं नीतीश जी। ठीक है जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि जो अभी हाल फिलहाल में क्या मतलब कल ही जो नीतीश कुमार जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया था इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में जाने का, तो इससे बिहार की पब्लिक जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाखुश नज़र आ रही है। उनका कहना था कि अगर वो अभी भी अगर तेजस्वी यादव जी के साथ रहते तो जिस रफ्तार से बिहार का विकास हो रहा था तो आगे और भी अच्छा हो सकता था। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं बेसिंग सहयोगी रॉल के साथ पटना।